आरएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम अहमदाबाद जोन यानी कि वेस्टर्न मुंबई का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, कट ऑफ जारी हुई है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो परसेंटाइल स्कोर है, आप देख सकते हैं यूआर का 97 है, एससी का 88 है, एसटी का 86 है, और ओबीसी की बात किया तो 94 है, ईडब्ल्यूएस की 89 है। जबकि आप नॉर्मलाइज मार्क्स से देखेंगे तो यूआर की 62 है। यहाँ से आप देखेंगे कि कोलकाता जोन से कम कट ऑफ गई है, एससी की देखेंगे तो 50 गई है, एसटी की 49 है, और ओबीसी की देखेंगे तो 58 है, ईडब्ल्यूएस की 51 है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी की आप भोपाल और अहमदाबाद जोन की कट ऑफ देखेंगे, दोनों लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, ऐसे यदि आप एक्स सर्विसमैन की देखेंगे तो परसेंटाइल स्कोर आपका 75, यूआर का, एससी का 78, एसटी का 82, ओबीसी का 59, ईडब्ल्यूएस का 89 है। जबकि आप नॉर्मलाइज मार्क देखेंगे तो यूआर का 40 है, एससी का 42 है, एसटी का 45 है, ओबीसी का 30 है, एंड ईडब्ल्यूएस का 51 है। तो ओवरऑल ये आपकी कट ऑफ रही, मैं अभी लिस्ट आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप भी अपना रिजल्ट चेक कर लें। यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, तो लिस्ट देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई हुए। तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने लिस्ट डाउनलोड कर लिया, आरआरबी अहमदाबाद ग्रुप डी रिजल्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET। तो यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करके चाहे सरकारी एग्ज़ाम में आप चले जाएँ चाहे सरकारी रिजल्ट में, दोनों अपलोड हो गई। बस इनकी ऑफिशियल साइट खोलने में बहुत टाइम लग रहा है, मैं आधे घंटे से लगा हूँ, फिर भी अब बड़ी मुश्किल में डाउनलोड हो पाया कट ऑफ इसकी। तो यहाँ से अपना लिस्ट देखें, ओवरऑल मैं दिखा देता हूँ कि एक देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ से आप 115 पेज की लिस्ट आई हुई है, और तुरंत पूरा देखते हैं कि ओवरऑल कितने कैंडिडेट। मैं स्क्रॉल करके सीधा आपके सामने नीचे जा रहा हूँ, और अपना रोल नंबर चेक कर लें PDF से, और यदि आप सेलेक्ट हो गए तो वही कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और फिजिकल को अच्छे से प्रिपेयर करें, बिल्कुल भी हल्के में न लें। यहाँ से आप देखेंगे जो टोटल नंबर आप कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड वह 27,439 कैंडिडेट है। ठीक है, ये तो आपकी 22/12/2022 की लिस्ट पड़ी है। तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।